कमाने दो लोगों को हराम, भागने दो इनको दुनिया के पीछे, मौत इन्हें जेरो जबर कर देगी और मौत तुम्हें इज्जत के ताज पहनाएगी, इन्हें मौत तबाह बर्बाद कर देगी, इनकी औलादें भी इनकी कब्रों पर जाकर सलब दो लफ्ज पढ़ने के लिए नहीं जाएंगी, और तुम अल्लाह को राजी करके जाओगे तो लाखों लोग तुम्हारे लिए कुरान पढ़ने वाले होंगे, तुम्हारे लिए दुआएं करने वाले होंगे, तुम्हारे लिए उठ उठ के अल्लाह से मांगने वाले होंगे। मेरे नबी का फरमान है, अल्लाह उसके रसूल का सहाबा वजू, मेरे नबी वजू फरमा रहे, सहाबा आपके वजू का पानी नीचे से ले रहे थे और पी रहे थे। आपने कहा क्यों कर रहे हो? कहने लगे ये आपकी मोहब्बत में। तो आपने कहा मैं बताऊं मुझसे मोहब्बत करने वाला कौन है, मैं बताऊं मुझसे मोहब्बत करने वाला कौन है? आपने फरमाया मुझसे मोहब्बत करने वाला वो है जो सच बोलता है झूठ नहीं बोलता। मेरा सारा पाकिस्तान ही फेल हो गया, कोई लाखों में एक मिलेगा वरना भागते रहो, ना तुम्हें कोई औरतों में सच्चा मिलेगा ना कोई तुम्हें मर्दों में सच्चा मिलेगा। मेरे नबी ने फरमाया मुझसे प्यार करने वाला वो है जो हमेशा सच बोले झूठ ना बोले, हमेशा दयानत से काम करे धोखा ना दे, किसी को धोखा ना दे। मुझसे प्यार करने वाला वो है जो किसी को धोखा ना दे, जो किसी को धोखा ना दे, किसी को, किसी को, मुस्लिम गैर मुस्लिम, किसी को धोखा ना, सच बोले मुस्लिम गैर मुस्लिम सबके लिए। और मुझसे प्यार करने वाला वो है जो पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करता हो, चाहे पड़ोसी कैसा ही क्यों ना हो। तो मेरे अजीजों हमारी एक बुनियाद है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह को पहचानो कैसे, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों से पहचानो, उनको पढ़ो अल्लाह के वास्ते। ये बच्चियों से कहता हूँ, आपसे सबसे कहता हूँ, चूंकि जिंदगी डिग्री से नहीं गुजरती, जिंदगी नबी के तरीके से गुजरती है। मेरे नबी को अल्लाह ने कलमे के ऐसा जुज बनाया कि क्यामत का धमाका भी उसको नहीं तोड़ सकता। हर आपने मेराज में अल्लाह से पूछा या अल्लाह इब्राहिम तेरे खलील, मूसा तेरे कलीम, दाऊद के लिए लोहा नरम, सुलेमान के लिए हवा ताबे, ईसा के लिए मुर्दा जिंदा, मेरे लिए क्या है? का मेरे महबूब तेरे लिए यह है कि क्यामत तक तेरा मेरा नाम इकट्ठा हो गया है, जुदा नहीं हो सकता। ला इलाहा इल्लल्लाह, आगे बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये बदल सकता है। आज आपका एक प्रिंसिपल है, एक रेक्टर है, एक वाइस चांसलर है, चौथे पांचवें साल कोई और आया होगा तो नेम प्लेट तब्दील हो जाएगी, फिर हो जाएगा नेम प्लेट तब्दील हो जाएगी। यही कुछ पिछले नबियों के ला इलाहा इल्लल्लाह नेम प्लेट आई, आदम सफीउल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह नूह नजीउल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह, ये ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह, नेम प्लेट उधर गई, नेम प्लेट उधर गई, नेम प्लेट उधर गई, अब आए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। क्यामत कायनात को तोड़ेगी, इस जोड़ को नहीं तोड़ सकती है। लिहाजा जिस इल्म में जाते हो जाओ, और उस दिन हम सर उठा के इज्जत से चल सकेंगे जब एक तरफ हमारा अल्लाह उसके रसूल से ताल्लुक हो, दूसरी तरफ हमारी डिग्री यहां बनती हो, हमें बाहर मुल्कों में जाके ना डिग्री लेनी पड़े। हम इल्म किसी की विरासत नहीं, उन कौमों ने जान मारी अपना, अब भी खपा रहे हैं, अब भी खपा रहे हैं, तो वो उनका वो इल्म की परवाज में है। हमारे इदारे सिर्फ कारोबार कर रहे हैं माफी के साथ, हमारे तालीमी इदारे सिर्फ कारोबारी हैं, और तुम सिर्फ डिग्री वाले हो। बट डिग्री लग जावे तनख्वाह भी लख तो उत्ते ही शुरू हो गए, तुम्हें भी पढ़ने का शौक नहीं, उन्हें देने का शौक नहीं, तुम्हें लेने का शौक नहीं है। तो कोई भी कौम अपना सर उठा के नहीं खड़ी हो सकती जब तक अपने इल्म में खुद कफील ना हो। जैसे रोटी में खुद कफील ना हो सर नहीं उठा सकते, इल्म में खुद कफील ना हो सर नहीं उठा सकते। अल्लाह की कसम तुम्हें तो अल्लाह बराह रास्त देगा, जब तुम अल्लाह उसके रसूल की इताअत करते हुए अपने इल्म में लगे, तुम्हें बराह रास्त अल्लाह का इल्म तुम्हारी रहनुमाई राहबिरी करेगा। इदारे और तालीमी इदारे पैसे के पीछे, हमारा डॉक्टर सफेद गाउन में बेहतरीन ताजर बैठा हुआ है, हमारा वकील काले कोट में बेहतरीन ताजर बैठा हुआ है, उसे ये नहीं परवाह कि ये मजलूम है, उसे ये नहीं परवाह कि ये घर बेच कर बैठा है, उसे ये कि केस कैसे लंबा करूं कि फीस और आती रहे, फीस और आती रहे, फीस और आती रहे।